फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग वर्ल्ड। ये देखिए, ये मेरी एचिविरिया ब्लू बर्ड है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल प्लांट है और ये डबल हेडेड प्लांट है। ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले ऑर्डर किया था। पर्सनली मैंने ये ऑर्डर करी है क्योंकि अमेजन से मैंने ये ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि अमेजन से ऑर्डर करते हैं तो आपको पता ही है वो ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं देते हैं। लेकिन मैं जिनसे बाई करती हूँ केस ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से, आपको पता है वो जो प्लांट भेजते हैं वो अच्छे भेजते हैं। ये देख सकते हैं कितना हेल्दी प्लांट है। और मैं उनसे ये अमेजन से नहीं डायरेक्ट लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे हेल्दी और बड़ा प्लांट चाहिए था। आप देख सकते हैं इसमें दो प्लांट एक साथ है। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगी कि अगर आपके पास ऐसे डबल हेडेड सकुलेंट हैं तो आप कैसे उनको सेपरेट करेंगे, कैसे उनके आप सेपरेट करके एक से दो प्लांट बना सकते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, इसका जो कलर है फ्रेंड्स, ये कितना ब्यूटीफुल है, एकदम आइस ब्लू कलर के, और ये बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। ब्यूटीफुल है इसका जो कलर है या इसका जो लुक है, बहुत ही क्यूट है और नाइस है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके जो लीव्स है ये भी कितने अच्छे हैं और एकदम हेल्थी प्लांट है। तो मैं इनको अभी पॉट से निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये मेरी ट्रे है, मैं इसमें इस जो प्लांट है इसको मैं पॉट से निकाल लूँगी, लेकिन उसकी भी मैं एक तरीका आपको दिखाती हूँ। जैसे ये पॉट है, देखिए, आप ऐसे इसको प्रेस करेंगे तो जो सॉइल है वो अंदर से एकदम लूज़ हो जाएगा और आप आसानी से अपने प्लांट्स को निकाल सकते हैं। मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स, एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं एक दूसरे हाथ से, सिंगल हाथ से, देखिए इनको मैं प्लांट को इस पॉट से निकाल लूँगी और मेरी प्लांट को कुछ डैमेज भी नहीं होगा। ये देखिए, ऐसे करके आप पहले थोड़ा सा इसको प्रेस कीजिए और धीरे धीरे फिर आपके जो प्लांट है वो निकल आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना देखिए सॉइल से बाहर आ गया। और अभी मैं इन प्लांट को पकड़ के बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए, ऐसे आराम से पकड़ के ऐसे आप निकाल लीजिए तो आसानी से जो आपका प्लांट है वो बाहर आ जाएगा। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इनके जो रूट है वो बिल्कुल भी देखिए डैमेज नहीं हुई और एकदम हेल्दी रूट है इनका। और मैंने पूरा प्लांट है देखिए रूट्स के साथ ही बाहर निकाल के लाई हूँ। और इसके नीचे असल में डबल हेडेड होने के वजह से आप देख सकते हैं काफ़ी जो इसका जो लीव्स होते हैं वो थोड़ा सा ड्राई सा हो जाते हैं और ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो शायद आप ये क्लियरली देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ से ये जो प्लांट है ये जुड़े हुए हैं। तो मैं अभी इसको सॉइल वगैरह हटा के फ्रेंड्स फिर मैं आपको इस प्लांट को फिर दिखाती हूँ। पहले मैं सॉइल साफ कर लूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉइल और इसके जो ड्राई लीव्स था वो मैंने हटा लिए हैं और आप ये देख सकते हैं कि इसके बीच में ये जॉइंट है, दो इसका जो डबल हेड है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी आप देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आराम से ऐसे करके आप इसको सेपरेट कर लीजिए, क्योंकि ये बीच में, ये देखिए, मैंने इसमें ना नाइफ़ की यूज़ करी ना कोई कटर की यूज़ किया, हल्का सा मैंने प्रेस किया तो ये देखिए दोनों हेड बीच में से ये सेपरेट हो गया है। और इनके जो रूट भी है, और देख सकते हैं कि इस प्लांट्स के साथ रूट भी है, लेकिन रूट को मैं डैमेज नहीं करूंगी फ्रेंड्स। तो मैं इसको आराम से इनको दोनों को अलग करूंगी ताकि इनके जो इसके अंदर जो रूट है वो डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे करके मैं इनको अलग करूँगी। फ्रेंड्स, मैं अलग करके दिखाती हूँ इनको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको दोनों को सेपरेट कर लिया है और ये देखिए मेरी एकदम दो प्लांट बन गया इसका। और ये देखिए, इसमें फ्रेंड्स रूट भी है और ये आप आसानी से आप सॉइल में लगा सकते हैं और आपका ये दो प्लांट बन जाएगा। मैं दूसरा भी दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें भी काफ़ी सारे रूट है और ये बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई। इसमें भी रूट है और उसमें भी रूट है, लेकिन ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से जो मैंने ये जो ये देखिए, ये यहाँ से मैंने इस प्लांट को सेपरेट किया है। तो इसी वजह से आप इसको अभी जब सॉइल में लगाएंगे इसको अलग से रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें रूट है तो आप इसको डायरेक्ट अभी सॉइल में लगा सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स ये दोनों प्लांट ही मैं अभी दो पॉट में सिंगल सिंगल करके लगा लूँगी ताकि मेरे ये दो प्लांट बन जाए। तो फ्रेंड्स पहले मैं पॉट ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ये दो पॉट अभी लिया है, ये दोनों में मैं ये अपना प्लांट लगाऊंगी। तो आइए पहले फ्रेंड्स मैं आपको इसमें लगा के फिर आगे आपको क्या करना है वो बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने पॉट में दोनों लगा लिया है और ये जो अभी जो मैंने लगाए हैं क्योंकि इसमें अभी जो सेपरेट करने की जो जगह है मैंने वो ड्राई नहीं किया है क्योंकि इनमें रूट है तो मैंने दोनों को डायरेक्ट सॉइल में लगा दिए है। लेकिन अभी इसको मैं 4 to 5 days इनको कोई वाटरिंग नहीं करूँगी सॉइल में, नहीं तो मेरी प्लांट ख़राब होने की चांसेस रहेगा। तो इसी वजह से मैं इनको अभी डायरेक्ट वाटरिंग नहीं करूँगी, इनको अभी मैं ऐसे ही रखूंगी और इनको थोड़ा सा स्टेबल होने दूंगी क्योंकि अभी मैंने इनको सेपरेट किया है। लेकिन अभी आप क्या कर सकते हैं, इनको हल्का हल्का सा ऊपर से पानी का स्प्रे कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैं इनमें हल्का हल्का ऊपर ऊपर से हल्का सा स्प्रे कर दूंगी ताकि ये डिहाइड्रेट ना हो जाए। और इसमें मैं जब सॉइल में जब फुल वाटरिंग करूँगी 4 to 5 days के बाद मैं इनमें फुल वाटरिंग करूँगी प्लांट्स को, तो मेरी प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और ना इसका जो रूट है वो ख़राब होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी कितने सेपरेट दो बड़े बड़े प्लांट बन गए हैं ब्लू बर्ड के एचविरिया, और एचविरिया खास करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसके कलर भी बहुत अच्छे होते हैं। तो फ्रेंड्स अगर मेरी ये प्लांट और मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो न्यू व्यूअर है प्लीज़ वो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय।